ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार मित्रों, मंच पर मेरी दाईं तरफ हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी बैठे हैं और मेरी बाईं तरफ श्री गजेंद्र दराल जो मुंडगा से निर्वाचित होकर आए हैं निर्दलीय, हमारे पुराने साथी हैं और आज वो स्वेच्छा से पुनः अपनी जो पार्टी है, अपनी मात्र पार्टी है, उसको ज्वाइन कर रहे हैं और यकीनन जो नगर निगम में जो ये जीत कर आए हैं और जिस तरह से हम चाहते हैं कि आगे मिलजुल के काम करें उसमें गजेंद्र जी की भूमिका रहेगी। साथ में मनोज भाई हमारे पुराने साथी हैं ही और मैं एक बार विजेंद्र जी से गुजारिश करूंगा कि आप गजेंद्र जी को पटका और टोपी पहनाकर उनका अभिनंदन करें और साथ में हमारे मंडल अध्यक्ष भी हैं, आइए गजेंद्र जी। साथियों, आज हमारे बीच में गजेंद्र दराल और हमारी पार्टी के मंडल अध्यक्ष उस क्षेत्र से यहाँ उपस्थित हैं और गजेंद्र जी पार्टी के सिपाही हैं, थे और रहेंगे, ऐसा उन्होंने पार्टी की लीडरशिप को कहा है और अनकंडीशनल बिना किसी पूर्व कोई भी चर्चा किए आज ये भाजपा परिवार में पुनः जुड़ रहे हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण दौर गुजर चुका है जो भी वस्तु स्थिति रही और अब फिर से ग्रामीण अंचल में जिस तरह से पार्टी को इन्होंने आगे बढ़ाया और पार्टी के लिए वर्षों काम किया। 2017 के चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे मुंडका लोक वार्ड से और 5 वर्ष आपने क्षेत्र की बहुत सेवा की और आप निर्दलीय जीत कर आए और अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वो एक होनहार युवा हैं और जो सेवा कार्यों से क्षेत्र में पहचाने जाते हैं और मैं कहूंगा कि 2 शब्द अध्यक्ष जी की अनुमति से वो भी कहें। दिल्ली प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और पूर्व दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी और अभी विधायक भी हैं और साथ में बड़े भाई मनोज शौकीन जी जो जिला भारी दिल्ली के जिलाध्यक्ष भी और मुंडका से विधायक भी रहे। आज बड़ी खुशी हो रही है कि मैं दोबारा से अपने परिवार में शामिल हो रहा हूं, क्योंकि 2017 में इसी पार्टी के सिंबल से मैं निगम का चुनाव लड़ा था और उसके बाद निरंतर जनता के बीच में रहकर और पार्टी के द्वारा जो भी काम हमें दिए गए वो सभी कार्य किए और जिस तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर हैं तो उनकी विचारधारा और दिल्ली प्रदेश के मजबूत संगठन को मैं एक अच्छा संगठन मानकर आज इस परिवार में दोबारा से शामिल हुआ हूं और इस परिवार के लिए अपने वार्ड के लिए जिस जनता ने मुझ पर विश्वास जताया है उनके लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करता रहूंगा और पार्टी का आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे ऐसी मैं उम्मीद भी करता हूं और आज मुझे पार्टी में दोबारा से ज्वाइन करके जो अध्यक्ष जी ने और जो विजेंद्र गुप्ता जी ने मनोज जी ने मुझ पर जो एक निष्ठा दिखाई है उसका मैं सदा आभारी रहूँगा और बगैर किसी शर्त के मैं आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ और साथ में जो मेरे मंडल अध्यक्ष हैं शशिकांत पांडे जी,
जिन्होंने मुंडका मंडल के अंदर एक नई नींव रखी और निरंतर जब से इनको कार्यकाल मिला तो मुझे लगता है कि जिला बाहरी दिल्ली के अंदर मुंडका वार्ड सर्वप्रथम ही रहा और आगे भी मैं इन्हीं से यही कामना करता हूं कि ये इसी तरीके से अपनी टीम के साथ मुंडका मंडल के लिए कार्य करता रहे। जय हिंद, जय भारत। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर